शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। यहां स्थित देशी शराब की दुकान पर मदिरा प्रेमी पहुंचे तो शराब पीने के लिए थे, लेकिन वहां मौजूद ब्लू गैंग ने उन्हें शरबत पिलाकर लौटा दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शराब भी नहीं आता भैया। हाँ शरबत पिलाया तो मजा आ गया, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा मैं। मदिरा प्रेमी शराब पीने शराब की दुकान पर पहुंचे और वहां उसे शरबत पिला दिया जाए। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बैतूल पुलिस की ब्लू गैंग ने जो अभियान चलाया है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। दरअसल आदतन शराब पीने वाले लोगों की शराब छुड़ाने के लिए पुलिस की ब्लू गैंग मांझी नगर और सदर की सरकारी देशी शराब दुकानों पर नींबू के शरबत की केन लेकर पहुंची और दुकानों के सामने खड़े होकर शराब खरीदने वालों के साथ उन लोगों को शरबत पिलाया जिन्होंने शराब पी ली थी या पीने वाले थे। दारू नहीं पी, उसके लिए किस तरह से जागरूक किया जाए लोगों को? एसपी मैडम और एडिशनल एसपी मैडम के निर्देशन में ब्लू गैंग का हम लोगों ने नवाचार किया था। उसी ब्लू गैंग के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से शराब छोड़ शरबत पिए, 70 की जगह 100 साल जिए, इस ध्येयवाक्य को लेकर आज हमारी ब्लू गैंग की महिला सेल की महिला बल द्वारा जो देसी शराब के अड्डे हैं जहाँ पर मजदूर वर्ग जो 150 रुपये कमाता है और 80 रुपये की शराब पी जाता है और उसके बाद घर में जाके लड़ाई झगड़ा करता है, उनको आज हम लोगों ने शरबत पिलाकर बताया कि शराब छोड़ें, शरबत को पिएं, क्योंकि शरबत में भी वही स्वाद होता है, अम्लीयता रहती है। और जो जिनने आज पी ली रही होगी और शरबत पिया, नींबू पिया है, तो मुझे लगता है घर पहुँचते तक उतर जाएगी और जो परिवार के साथ बदसलूकी करते थे वो नहीं होगा। तो एक कोशिश कर रहे हैं और ब्लू गैंग के माध्यम से ताकि लोग जागरूक हों और शराब छोड़ें। पुलिस प्रशासन द्वारा एक ब्लू गैंग चलाई जा रही है जो हर जगह जहां पर भी शराब बिक रही है वहां पर पहुंचकर हम शराब पीने वालों को शरबत पिला रहे हैं और उन्हें ये सिखा रहे हैं कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपके पॉकेट के लिए अच्छी नहीं है, आपके पैसों के खर्च के लिए अच्छी नहीं है। तो बेहतर है कि आप शराब से ज़्यादा शरबत पिएं, शरबत ज़्यादा अच्छा है। लोगों ने ये चीज़ मानी भी है, उन्होंने खुद कहा कि हाँ अब हम शरबत पिएंगे, शराब छोड़ेंगे, कुछ लोग इस बात को मान रहे हैं। और मैं सभी घर की महिलाओं से, बहनों से, माताओं से ये निवेदन करूंगी कि वो अपने भाई को, पति को, जो भी शराब पीते हैं उन्हें शराब की समय शाम को अगर शरबत बना के पिलाए तो शायद उसे छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं वो, और एक प्रयास छोटा सा वो अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। इस तरह की दिक्कत आती है आप लोग जब यहाँ पे आते हैं? लोग ये चीज़ समझ, मतलब मानना नहीं चाहते क्योंकि जिनको लत लगी हुई वो एकदम से ये चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो कई लोग ये चीज़ मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। कई बुजुर्ग हैं जिन जो ऑलरेडी नशे में रहते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं, पर धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ लोगों ने शराब भी यहाँ पर, हाँ बहुत से लोगों ने शराब यहाँ पर छोड़ी है। बहुत से लोग डस्टबिन में डालकर गए हैं जो लेकर निकल रहे थे बॉटल्स, और वहीं छोड़कर गए और शरबत पीकर गए ये कहकर कि अब शरबत ही पियेंगे, शराब छोड़ देंगे। शराब खरीद कर ले जा रहे लोगों को समझाइश दी गई तो उन्होंने शराब ना पीने की कसम भी खाई और खरीदी गई शराब को डस्टबिन में डाल दिया। चलो क्या नाम है आपका? मैं अशोक पाटिल। आज यहाँ कहाँ आए, कहाँ आए थे आज? शराब भी नहीं आता भैया। फिर क्या हुआ जी? आज सब बहन जी लोग आ गई, पूरी फोर्स भी आ गई, तो आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा मैं। क्या पिलाया आपको यहाँ? आज शरबत पिलाया तो मजा आ गई, आज के बाद दारू नहीं पीऊँगा मैं। बैतूल पुलिस ने पिछले दिनों सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए समाज सेवी महिलाओं और महिला आरक्षकों की एक टीम बनाई है जिसका नाम ब्लू गैंग रखा गया है। ब्लू गैंग का ड्रेस कोड भी ब्लू है। एमपी न्यूज के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।